डायबिटीज़ क्या होता है? दो तरह के डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम लोग ऑटोइम्यून डायबिटीज़ भी कहते हैं। ऑटोइम्यून डायबिटीज़ में ऑटो एंटीबॉडी बनता है, जो एंटीबॉडी जाकर पैंक्रियास पर काम करता है और वहाँ से जाकर इंसुलिन के रिलीज को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है, जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। ये उतना कॉमन नहीं है, करीब 5 से 10% होता है। दूसरी वेराइटी टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है, लगभग 90% है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंसुलिन निकलता है लेकिन ये जाकर लीवर, फैट और मसल पर उतना अच्छे से काम नहीं करता, अर्थात ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है उतना अच्छा नहीं होता है। तो इंसुलिन निकलने के बावजूद भी वो उतना अच्छा काम नहीं करता, इस कारण ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए शुगर बढ़ जाता है। इसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के डायबिटीज़ हैं जो उतने कॉमन नहीं है, ज़्यादा कॉमन यही टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ ही हमारे समाज में होता है।